नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लिया तो ट्रेन में नहीं कर पाएंगे सफर। आज से लागू हो रहा है यह नियम। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब भारतीय रेल ने यात्रियों के लिए नया फैसला किया है। अब ट्रेन में सफर करने के लिए वैक्सीन के दोनों डोज लेना अनिवार्य करने की तैयारी की जा रही है। दक्षिण रेलवे ने तो बाकायदा यह आदेश जारी भी कर दिया है। दक्षिण रेलवे ने यह फैसला किया है कि 10 जनवरी से केवल उन्हीं यात्रियों को चेन्नई रीजन में यात्रा की अनुमति होगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली हो। माना जा रहा है कि दक्षिण रेलवे की तरह देश के दूसरे रेल जोन भी इस व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। दक्षिण रेलवे ने DRM ने एक प्रेस विज्ञप्ति को ट्वीट किया है जिसमें इससे संबंधित आदेश जारी किया गया है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 10 जनवरी को सुबह 4 बजे से 31 जनवरी तक केवल COVID-19 टीकाकरण का प्रमाण पत्र रखने वाले यात्रियों को ही उपनगरीय ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।